नमस्कार साथियों, सी बीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। झारखंड आईटीआई का सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे जारी हुआ, लोगों के मन में बहुत बड़ा डाउट हो चुका है। आज की इस वीडियो में तो 100% आपको सीट अलॉटमेंट लेटर के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपका यस है तो फिर क्या करना है, और अगर आपका जो है वेटिंग शो हो रहा है तो फिर आगे आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से समझ लीजिए, पूरा डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जो है आपको अपना लेटर डाउनलोड करने के लिए जो है एडमिशन वाले पे ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे जो है आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ से मांगा जाएगा। लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जो है आपकी प्रूफ जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपने ट्रेड भर रखा है वो लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट नेम है, यहाँ पे 8 कॉलेज इन्होंने भर रखा है, और 8 कॉलेज में इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ही चयन किया है, और उसमें सब में जो है यहाँ पे बेटिंग शो हो रहा है, और यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन दिया है। एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो आपने कॉलेज भरा है यहाँ पे दिखाई देगा, जो आपने ट्रेड भरा है यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ट्रेड अलॉटमेंट स्टेटस में भी शो नहीं करेगा, जब आप इसे जनरेट कर लेंगे तब यहां पे स्टेटस आपका यहां पे शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपका बेटिंग शो हो रहा है, तो देखिए 24 जुलाई तक आपकी एडमिशन चलेगी, ठीक है। इसमें आप घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बेटिंग है कोई दिक्कत नहीं है। 24 जुलाई तक जो है आपकी एडमिशन चलेगी। अब आपको देखिए सुबह में आपको जो है सुबह में भी, और फिर इसके बाद जो है दोपहर में भी, जैसे दवा खाते हैं ना वैसे बता रहा हूं आपको मैं, शाम में भी, ये 3 टाइम में जो है आपको बारी बारी से डेली चेक करते रहना है। ये जो है बेटिंग जैसे ही यस होगा आपको तुरंत जिसे जनरेट करके एडमिशन कराना होगा। तो बेटिंग के लिए आपको सुबह भी चेक करना है, दोपहर भी चेक करना है, शाम को भी चेक करना है, लॉगिन करके चेक करते रहिए। अगर जैसे ही यस होता है आप जनरेट करके जो है अपना एडमिशन पूरी कराएंगे। उससे पहले कुछ और बातें हैं समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर यस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर यस होता है, और मान लीजिए यहाँ पर यस हो जाता है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर यस हो जाता है, तो आपको करना क्या है, इन तीनों में से जिसमें यस हुआ है, तीनों में से जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए, इसमें से कोई एक वाले ऑप्शन पे, जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जनरेट करके इसको डाउनलोड कर लेना है, और फिर डॉक्यूमेंट के साथ जो है कॉलेज में जाना है, एडमिशन कराना है। ध्यान रखेंगे एक बार जनरेट होने पर दोबारा आप इसे नहीं ओपन कर पाएंगे, ये ओपन नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के अच्छे से जिस ट्रेड में आपको लेना है एडमिशन, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसी पर जो है आपको जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। जैसे आप इस वाले लेटर को देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इन्होंने 5 कॉलेज भर रखा है, और यहाँ पे ट्रेड का नाम दिया है, अलग अलग ट्रेड है, और सब में यस हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इनको एक ऑफ़र मिला है। ऑफ़र ये मिला है कि चाहे ड्राफ्ट्समैन सिविल में एडमिशन कराएं, चाहे फिटर में, चाहे बिल्डर में, मशीनिस्ट में, इलेक्ट्रीशियन में, सब में यस हो चुका है। यानी इनका सोने में सुहागा कह सकते हैं भैया, जिसमें चाहे एडमिशन करा सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर ये जो है ड्राफ्ट्समैन सिविल में कराना चाहते हैं, तो यहां पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जनरेट करके इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद जो है कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर ये चाहें कि अरे यार मुझे इसमें नहीं लेना चाहिए था, मुझे ये वाला इलेक्ट्रीशियन चाहिए था, तो दोबारा लॉगिन नहीं होगा, दोबारा जो है आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, दोबारा जनरेट नहीं होगा अगर एक बार जनरेट हो गया। तो दोस्तों इसीलिए सोच समझ के आपको जनरेट करना है, ठीक है। जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन पर जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अगर पूरी प्रक्रिया करनी है, और अगर आपका बेटिंग शो हो रहा है तो पर डे आपको चेक करते रहना है। यहाँ पे दोस्तों निर्देश में दिया गया है, देखिए प्रिय अभ्यर्थी आपको नामांकन हेतु सीट मिला है, काउंसलिंग में भाग लेकर अपना नामांकन कराएं। आगे बताया कि जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है प्रतिदिन लॉगिन करके काउंसलिंग हेतु अपना स्टेटस देखें। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रतिदिन आपको शाम सुबह दोपहर प्रतिदिन चेक करते रहना है। जैसे यस दिखता है 3 दिन के अंदर जो है आपको काउंसलिंग करा लेनी है, 4th दिन में आपकी काउंसलिंग जो है स्वतः रद्द कर दी जाएगी अगर आपका यहाँ पे यस शो हो जाता है। वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 दिन के भीतर अगर आप करा लेते हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा।
उसी लेटर में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दिस इज ए प्रोविजनल सीट अलाइनमेंट लेटर, मतलब ये लेटर भी आपको साथ में इसका प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद मार्कशीट, अगर आप आठवीं पास आवेदन किए हैं तो आठवीं की मार्कशीट लेकर जाना है, अगर आप हाई स्कूल पास किए हैं तो हाई स्कूल की जो है मार्कशीट लेकर जाना है। इसके बाद तो बताया गया कि एडमिट कार्ड और जो है मार्कशीट, पासिंग मार्क सर्टिफिकेट हाई स्कूल की लेकर जाना है। अगर आप 2024 में पेपर दिए हैं, ठीक है, हाई स्कूल पास किए हैं तो जो है आपको एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है, और जिसकी अगर आप 2024 से पहले के हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया है लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी आपका जो है आपके एरिया का जो निवास प्रमाण पत्र कह सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग के श्रेणी में आते हैं तो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिफेंसी सर्टिफिकेट, अगर जो है कोई कोटा से संबंधित है, स्पेशल मैन कोटा संबंधित, तो आप ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सबके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे टीसी भी कहा जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं 10वीं की टीसी, 8वीं पास है तो 8वीं की टीसी, और अगर मान लीजिए आप जो है 12th पास हैं या फिर जो है ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो उसका भी टीसी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है इकोनॉमिक बीकर सेक्शन, यानी EWS, जो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ये भी आपका लगेगा। इसके बाद तो यहाँ पे दिया है कि फोटोकॉपी भी आपके पास, जितने डॉक्यूमेंट जितने आप लेकर जाएंगे उसकी जो है कम से कम एक सेट फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। यहाँ लिखा है 1 सेट फोटोकॉपी, तो 1 सेट फोटोकॉपी सभी का करा लीजिए। और यहाँ पे 6 फोटो जो है कॉपी आपको, पासपोर्ट साइज 6 फोटो, नवीनतम कलर फोटो जो है अपना खिंचवा लीजिए और उसको बनवा लीजिए, यही आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों मैंने डिटेल में सब कुछ आपको बता दिया है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब 100% दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको शिकायत कोई है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।